मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एक बार फिर पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है और छापेमारी भिमंडी, कल्याण और मुंब्रा में की गई है। यहां से 4 लोगों को ठाणे क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मुंब्रा से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम है दाऊद सिराज अहमद शेख और अब्दुल मतीन शेखानी। इसके अलावा कल्याण से फरदीन जमील पैरकर और भिमंडी से आसिफ अंसारी और शफीक अंसारी को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के खिलाफ जारी धरपकड़ जो है 8 राज्यों में की गई है। करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश में घृणा फैलाने और अपनी हरकतों से देश में युद्ध जैसा माहौल बनाने का आरोप इन पर लग रहा है और मुंब्रा, भिवंडी, कल्याण से 4 पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। वहीं गिरफ्तार फरदीन पैरकर के बड़े भाई फरहान पैरकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम फरहान है। फरहान भाई, कल भाई साहब से आपको पुलिस ले गई है, क्या बताया? मुझे सुबह में फजर के टाइम पे मालूम पड़ा कि भाई को पुलिस वाले लेके गए हैं। तो पहले तो हम पुलिस चौकी में भी गए थे तो उन्होंने बोले कि रूटीन इंक्वायरी चालू थी करके हमने उनको लेके आए हैं, पूछताछ करके हम उन्हें छोड़ देंगे। और अब ऐसा पता चल रहा है कि उनको कुछ अरेस्ट वगैरह किए कि क्या पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है। अभी उन्होंने बोले थे कि अभी 10:30 बजे आप पहले देखो उनको, हम एसीपी साहब के सामने खड़ा करेंगे और फिर क्या है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। किस लिए अरेस्ट किए हैं या क्या भी किए हैं, क्यों ले गए हैं, कुछ पता ही नहीं है। कोई वो गलत काम करता नहीं है, छोटा भाई है मेरा, गलत काम वो करता नहीं है। हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ है SDPI करके, उसमें वो कार्य करता है, कुछ करता है और अच्छे अच्छे काम करता है। गटर वगैरह साफ़ करवाया हमारे यहाँ पे, कचरा उठाया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किया है, वो मुझे पता है। बाकी ये क्या हिसाब से वो मुझे भी पता नहीं है। कानून पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो कानून सही ही काम करता है। देश के कानून पे पूरा, संविधान पे भरोसा है मुझे।